ओके जी, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम ऑडियो और वीडियो को पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो फोल्डर आपने बनाया है इसके लिए उसके अंदर जाना है और उनको ओपन कर लेना है। इसके अंदर ठीक है, इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था हमने और इसका नाम रखा था हमने ऑडियो एंड वीडियो। इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास वीडियोस आ चुके हैं, ऑडियो हमारे पास एक अलग फोल्डर के अंदर पड़े हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, उसके अंदर जाके मुझे क्या करना है, यहां पे एक इंडेक्स या जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो आपको HTML का एक फाइल बना देना। आपने इस तरह से फाइल बना दी, उसके बाद VS कोड के अंदर आप सिर्फ HTML लिखोगे तो आपके पास हिंट आ जाती है कि आपको HTML 5 का बेसिक जो सिंटैक्स है वो चाहिए, तो आप ये लिख के एंटर करोगे और ऑटोमेटिक आपके पास ये कुछ बेसिक चीजें जो है वो आ जाएंगी। उसके बाद यहां पे आके हमें क्या करना है, अगर आपको ऑडियो एड करना है तो ऑडियो भी एड कर लोगे, अगर वीडियो एड करना है तो आप वीडियो भी एड कर लोगे। अब यहां पे मैंने वीडियो का टैग ऑन किया और उसको क्लोज कर दिया। अब बेटा ऑडियो हो या वीडियो, ये पेरेंट टैग होता है, इसके अंदर एक चाइल्ड टैग अलग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि HTML 4 के अंदर ना ऑडियो का टैग था ना वीडियो का टैग था, इन लोगों ने HTML 5 के अंदर ये चीजें इंक्लूड की है। अब इससे पहले ये लोग क्या करते थे कि थर्ड पार्टीज के थ्रू वो नंबर ऑफ ऑडियोज और वीडियोज की चीजें जो है इंक्लूड करवाते थे, यानी अगर कोई HTML से काम नहीं होता तो ये किसी और सर्विस को यूज करके वो ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करवा देते थे। अब वीडियो के टैग के अंदर एक और टैग होता है, सोर्स टैग कहते हैं उसको, सही है? सोर्स के टैग को आप ओपन भी करोगे और क्लोज भी करोगे। वैसे ही सोर्स आपके पास पेयर टैग नहीं है, इसीलिए देखिए क्लोज भी नहीं हो रहा। इसका मकसद यह है कि ये अनपेयर टैग है। ये क्या है? अनपेयर टैग है। सोर्स के टैग के अंदर एक और हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं SRC। कौन सा क्लियर हो गया? अब इस SRC के अंदर आप अपना जो भी वीडियो है वो आप इंसर्ट कर लोगे। सबसे पहले मैंने वीडियो का टैग ऑन किया, उसके बाद सोर्स एक टैग है जो इसी टैग के अंदर लिखना है, वीडियो टैग के अंदर। फिर आपने SRC की एट्रीब्यूट दी और उसके अंदर आपने क्या कर देना है, एक ये जो हमारा वीडियो का फाइल है वो प्रोवाइड कर देना है, तो उसका नाम क्या है, somevideo.mp4। आपने ये ऐड किया, सेव किया इसको। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ओपन इन डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कर लें इसको, तो जो भी डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होगा उसके अंदर हमारे पास ये चीजें ओपन हो जाएंगी। तो आपको ये देखें, अब वीडियो नजर तो आ रहा है लेकिन उसके कंट्रोल नहीं है, ना ये चल रहा है, ना इसको हम स्टॉप कर सकते हैं, ना इसकी वॉइस बढ़ा सकते हैं, ना इसको पॉज कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें अभी तो पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह बेटा ये है कि आपके पास ये जो वीडियो टैग है इसी टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी और है जिसको कहते हैं कंट्रोल्स। उनसे क्लियर है? अगर आप कंट्रोल्स लिखोगे तो जो हमारे वीडियो को चलाने के कंट्रोल होते हैं, यानी उसको ऑन करना, उसको स्टॉप करना, उसको पॉज करना होता है ना, ये सारी की सारी चीजें हमें अवेल कर देगा ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी से। अगर आप यहां पे आके अब अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखें अब हम क्या कर सकते हैं, वीडियो को चला भी सकते हैं, उसकी वॉइस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें अब पॉसिबल है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास अगर आप चाहते हो कि इसी तरह इसके अंदर कुछ और चीजें भी हम दे सकें तो हम वो सारी चीजें दे सकते हैं। एक हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन आता है पोस्टर। अब पोस्टर का मकसद है, आपने देखा है किसी भी YouTube वगैरह के वीडियोस के ऊपर एक थंबनेल होता है ना, एक इमेज नजर आती है। अभी तो हमें क्या नजर आता है, इसका जो बाय डिफॉल्ट एक क्या है, इमेज है, वो शो हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं अपने मर्जी की कोई इमेज इसके ऊपर शो करें तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से कोई भी इमेज उठा लेता हूं और इमेज कोई हम उठा लेते हैं यहां से, ठीक है, कोई पिज्जा वगैरह, पिज्जा बेक की कोई इमेज हमारे पास होगी सपोज, अभी के लिए मेरे पास ये इमेज है तो मैं इसी को जो है वो एड करवा देता हूं।
मैं पहले इमेज कहां रखूंगा बेटा, उस फोल्डर के अंदर, सही है। जब भी किसी तरह की वेबसाइट को डिजाइन करें, डेवलप करें, जो जो चीज इंक्लूड होंगी आपको वो सारी कहां रखनी है, उस वेबसाइट के फोल्डर के अंदर रखनी है। रिवील इन फाइल एक्सप्लोर करेंगे, यहां पे आके आपने एक और फोल्डर बना देना है इमेजेस के नाम से। किस नाम से? ताकि आपकी इमेजेस अलग पड़ी हो, ऑडियो अलग पड़ा हो और वीडियो अलग पड़ा। आपकी ये इमेज है, इमेज का नाम रख देता हूं एबीसी। अब मैं इसी इमेज को क्या कर दूंगा, एज अ पोस्टर यूज कर लूंगा, सही है। पोस्टर इमेज कहां पड़ी है बेटा, इमेजेस के फोल्डर के अंदर। नाम क्या है उसका? एबीसी डॉट जेपीजी, सॉरी पीएनजी है। सेव करते हैं इसको और यहां पे आके अगर मैं अभी वीडियो को रिप्लेस करता हूं या रिफ्रेश करता हूं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये आपकी इमेज इंसर्ट हो चुकी है। अब ये देखें वीडियो के ऊपर है, इमेज बड़ी है तो इस वजह से वो वीडियो की साइज भी बड़ी हो रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सही है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता इमेज को रिसाइज कैसे करते, ऐसे ही है ना। अब आपने इमेज तो इंसर्ट कर ली, इमेज की वजह से वीडियो भी बढ़ रहा है। अब मैंने इसको क्या किया है, मिनिमाइज किया हुआ। तो बेहतर बेटा अपॉर्चुनिटी ये होती है कि इमेज को राइट क्लिक करके कहां ओपन करें, पेन टूल के अंदर ओपन कर ले, सही है। देखें साइज इसकी बहुत बड़ी है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है रिसाइज का, इस पे क्लिक करेंगे। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद पिक्सल्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे ये आ रहा है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। अगर आप इसको रखते हैं, इसका मकसद जो आप ऑटोमेटिक विड्थ देंगे उसी के हिसाब से हाइट सेट हो जाएगी, सही है। वन अपनी मर्जी की विड्थ और अपनी मर्जी की हाइट देनी है तो इसको अनचेक करना पड़ेगा। कौन से क्लियर हो रहा है? अगर आप चाहते हैं वो रेशियो को फॉलो ना करे, जितनी विड्थ है उसके हिसाब से हाइट एडजस्ट ना करे, मैं अपनी मर्जी की विड्थ और अपनी मर्जी की हाइट देना चाहता हूं तो इसको अनचेक करें। मैं कह देता हूं 1000 हमारे इसकी क्या होगी, विड्थ होगी इमेज की और हाइट कितनी दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल्स। मैंने परसेंटेज से हटा के किस पे क्लिक किया था, पिक्सल्स पे ना। तो हमारे पास इस तरह से एक इमेज बन जाएगी, रिसाइज हो गई। इसको बस कंट्रोल एस करेंगे और यहां पे आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखें वीडियो ये इस तरह से शो होगा। अब इसकी 100% जूमिंग रखते हैं तो ये इस तरह से बेहतर वे में नजर आएगा। तो वीडियो का पोस्टर नजर आ रहा है बेटा, सही है। हम इसी तरह किसी भी वीडियो को क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इसकी, इसी तरह हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यहां पे प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लूप, इसका मकसद ये होता है कि जब वीडियो कंप्लीट हो जाए एक बार तो फिर से रिपीट हो जाए। समझ में आ रहा है? यानी एक बार जब वीडियो पूरा चल जाएगा तो उसके बाद फिर से क्या कर लेगा, शुरू से चलना शुरू हो जाएगा, लूपिंग शुरू हो जाएगी। लूप मकसद रिपीटेशन। इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले का मकसद ये होता है, अभी देखें वीडियो जब हम ओपन कर रहे हैं तो नहीं चल रहा, ऑटो प्ले से क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये प्ले हो जाएगा। कौन सा क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी भी हम यूज कर रहे होते हैं। यहां तक कौन सा क्लियर है? ये बेटा कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी बदौलत हम क्या कर रहे होते हैं, वीडियो या ऑडियो को एड कर रहे होते हैं। यहां तक कौन सा क्लियर है सबका? राइट। इसी तरह अगर आपको बेटा ऑडियो भी एड करना है तो आप ऑडियो भी एड कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं ऑडियो H1 के अंदर, यहां पे आके इसी तरह आप देखें पहले वीडियो का टैग ऑन कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे ऑडियो का टैग ऑन, उसी के अंदर फिर से एक और टैग है, कौन सा? सोर्स, सही है। अब यहां पे फिर से क्या देंगे, सोर्स। सोर्स के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी? SRC। और अब आपको क्या देना है, ऑडियो देना है। तो ऑडियो कहां पड़ा है बेटा, ऑडियो के फोल्डर में। उसका नाम क्या है देखें, एक कंप्लीट एक है अफर्मेटिव। तो मैं यहां पे आके कंप्लीट डॉट MP3 देता हूं और इसको कवर करता हूं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहां पे आके। तो अब आपको नीचे जो है वो एक ऑडियो नजर आना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने इसके कंट्रोल नहीं दिए। ऑडियो के भी क्या देने हैं हमें, कंट्रोल्स। कंट्रोल्स आप एड करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको नीचे ऑडियो भी नजर आ जाएगा। कौन सा क्लियर है यहां तक?
फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको चलाना चाहते हो तो ये चल जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरह हमारे पास जो आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे ऑडियोज वीडियोज की चीजें आपको नजर आती है ना, इसी तरह तो होती है। कौन से क्लियर है सबका? राइट, तो हम क्या कर सकते हैं किसी भी तरह की चीज को इस तरह से प्रोवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाती है कुछ चीजें, है ना, ऐसे भी होता है ना। चले कुछ डाउनलोड के हिसाब से मैं चीजें समझा देता हूँ। एंकर हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम यूज करते हैं। अच्छा, ऑडियो वीडियो कवर हो चुके है ना। अब अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना चाहते हो तो बेटा उसके लिए होता है एंकर टैग। कौन सा टैग होता है? एंकर टैग। अब एंकर टैग का काम क्या होता है, आपने पढ़ी थी इसकी क्या डेफिनेशन, कि हमारे पास क्या होती है। सबसे पहली चीज तो यह है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो हम पढ़ रहे हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट का मकसद क्या होता है कि वो टेक्स्ट जो आपका क्या होता है, लिंक होता है आपस में, उसी वजह से आप एक पेज से दूसरे पेज पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं यहां पर आ जाऊं तो आपको नंबर ऑफ कुछ वेबसाइट्स का एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं यहां पे आता हूं और एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं जिसको कहते हैं W3 Schools। ये इस तरह की आपकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मिलियंस में है। आप किसी भी वेबसाइट को उठा लो तो आपकी नंबर ऑफ वेबसाइट्स क्या होती है, नंबर ऑफ वेब पेजेस की कलेक्शन होती है। लेकिन एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, लिंक्स चाहिए होते हैं। ये भी जो आपको नजर आ रहा है ये लिंक है ना, इसको एंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंकर। ये जो हम अभी टेक पढ़ने वाले ना, इसी की बदौलत है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जंप हो जाऊंगा ना कहीं, यानी उस वेब पेज पे। तो मैं जैसे ही क्लिक करता हूं देखिए मैं उस वेब पेज पे आ गया। फिर इसी तरह अगर मैं यहां से जाके किसी और वेब पेज पे क्लिक करता हूं, सपोज मैं यहां पे आता हूं CSS एक्सरसाइजेस, तो मैं उस पेज पे चला जाऊंगा। ये देखिए मैं उस पेज पे आ चुका ना। इसी तरह बेटा मैं एक पेज से दूसरे पेज पे एक ही वेबसाइट में अगर मूव करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मूव कर सकता हूं। इवन सेम पे सेम वेबसाइट ही क्यों ना हो, आपकी दूसरी वेबसाइट भी है तो उस पे भी आप जा सकते हैं। सपोज W3 School से अगर मुझे जीमेल पे जाना है तो जीमेल पे जा सकता हूं, विकीपीडिया पे जाना है तो विकीपीडिया पे जा सकता हूं, यूट्यूब पे जाना है तो यूट्यूब पे जा सकता हूं। तो एक्चुअल में हमारे वेबसाइट्स की दुनिया के अंदर जो तकरीबन वेब पेजेस बनते हैं उनको अगर आप मूव करके उनके पास जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या होता है, एक एंकर या हाइपर लिंक होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं। यहां तक कौन सा क्लियर है बेटा? राइट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंकर। तो अगर आप चाहें तो नया वेब पेज बना सकते हैं। मैं यहां पे आके एक नया वेब पेज बना देता हूं, anchor.html। आपकी मर्जी है जो नाम रखें, मैंने इसका यही नाम रख दिया ताकि आपको जब मैं कोडिंग प्रोवाइड करूं तो आपको ये ऑलरेडी नॉलेज में हो कि हमारे पास ये एंकर की चीज है। सही है। अच्छा, अब एंकर के टैग को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ए लिखते हैं। ए मकसद एंकर, ए मकसद एंकर, और इसी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं हाइपर रेफरेंस। क्या कहते हैं बेटा? हाइपर रेफरेंस, और इसी को कवर कर देते हैं। अब इसका मकसद ये है, देखें इसका मकसद ये है कि आप यहां पे जो भी देंगे वहां पे क्या चीज हो जाएगी, मूव हो जाएगी। ए का मकसद क्या है? एंकर, और HREF है ना, ये लिखा हुआ है ना, H इसका मकसद है हाइपर, REF का मकसद क्या है, रेफरेंस। कौन सा क्लियर है? तो एक्चुअल में एंकर, हाइपर, रेफरेंस, उसी तरह हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पे आके कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो सकेंगे, मूव हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं जीमेल, मैंने क्या लिख दिया, जीमेल, तो मुझे यहां पे क्या देना पड़ेगा, जीमेल का वो पाथ देना पड़ेगा जहां मुझे जाना है। कौन से क्लियर हो रहा है बेटा? यानी हाइपर रेफरेंस का मकसद है जहां आपको जंप करना है, हाइपर रेफरेंस, उस रेफरेंस पे क्या करो, जंप करो। हाइपर का मकसद क्या होता है, टू जंप, किस पे, उस रेफरेंस पे, यानी जो रेफरेंस आपने दिया।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहां जंप करेगा, जहां आप इसको भेजेंगे, लेकिन किस पे क्लिक करेंगे तो जाएगा जो आपने नीचे टेस्ट लिखा है जीमेल, आपकी ये वेबसाइट है, ये ऑन हो जाए तो मैं इसकी यूआरएल कॉपी कर लेता हूं। ठीक है बेटा, ये वेबसाइट है, मैं इसको अभी बंद कर लेता हूं और मैं यहां पे आके ये इसको पास कर देता हूं। यानी मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मैं कहां चला जाऊंगा, इस जीमेल के यूआरएल पे चला जाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मैं सेव करता हूं, यहां आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा वेब पेज चल रहा है, जबकि हमारा अभी जो वेब पेज है उसका नाम क्या है, anchor.html है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टेक्स्ट नजर आ रहा होगा आपको, श्योर है जीमेल। अब ये यूजर को दिखाने के लिए होता है, जो एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप लिखते हो ना, ये यूजर को दिखाने के लिए होता है जिस पे वो क्लिक करता है यूजर, सही है। जैसे अभी हमें शो हो रहा है ना सिर्फ जीमेल, जो आपने यूआरएल दी है वो तो शो नहीं हो रही, सही है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं कहां चला जाऊंगा, मैं जीमेल की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। हमसे क्लियर हो गया बेटा, लेकिन इसने सेम ही टैब में वो चीज ओपन की है। किस टैब में ओपन की है, सेम टैब के अंदर, दूसरी टैब उसने ओपन नहीं की। अगर आप चाहते हैं दूसरी टैब ऑन करें तो यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है टारगेट, क्या होती है टारगेट, और टारगेट के अंदर जाके आप बताते हैं कि आपको कहां जाना है, ब्लैंक में, पेरेंट में, सेल में या टॉप में। चले अभी ब्लैंक करके देख लेते, सेव करते हैं इसको, पीछे जाते हैं रिफ्रेश। अब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए उसने क्या किया, एक न्यू टैब ऑन किया और आपकी वो वेबसाइट उसमें ऑन की। कौन से क्लियर है, तो अगर आपको नई टैब में कोई चीज ओपन करनी है तो यू हैव टू गो विथ टारगेट, और टारगेट में क्या वैल्यू देंगे आप, ब्लैंक। तो एंकर एक टैग है, हाइपर रेफरेंस एक क्या है, एट्रीब्यूट है उसी टैग का, और टारगेट भी क्या है, एक एट्रीब्यूट है। कौन से क्लियर हो गया बेटा, सही है। एट्रीब्यूट समझो कि आपकी कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है ना टैग की, ये इसी तरह। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लिंक्स के ऊपर जब आप हाइपर करते हैं या आप जब कर्सर लेके जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे PHP पे लेके जा रहा हूं, तो कुछ शो हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, PHP ट्यूटोरियल है ना, तो ये कहलाता है टाइटल। आप अगर इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल, अगर आप वो देते हैं तो यहां पे अपनी जो आपने लिंक बनाई उस पर भी कुछ शो कर सकते हैं, सही है। मैं इसको कहता हूं क्लिक टू विजिट जीमेल, अपने मर्जी से कुछ भी आप शो कर सकते हैं यूजर को। मैं यहां आता हूं, रिफ्रेश करते हैं। अब अगर मैं इस पर हावर करता हूं तो देखें आपको क्या शो होगा, क्या शो हो रहा है, एक टोस्ट शो हो रहा है ना कि आप क्लिक करेंगे तो कहां जाएंगे, जीमेल पे। ये सिर्फ यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारी ये लिंक किस पर्पस के लिए। कौन सा क्लियर है बेटा यहां तक, तो इसी तरह से हम एंकर को यूज करते हैं। अब लाजमी नहीं है कि सिर्फ आपको कोई वेबसाइट ही ओपन करनी है, आप कोई फाइल या फोल्डर भी ओपन कर सकते हैं, PDF होता है ना उसको भी ऑन कर सकते हैं। लेकिन वेब ब्राउजर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट एक ऐसी इनबिल्ट फंक्शनलिटी है जिसके बदौलत आप क्या कर सकेंगे, देखें आप अगर यहां पे एंकर, हाइपर रेफरेंस, और मैं यहां पे आके इसको कवर करता हूं, कवर कर लिया मैंने इसको, अब मैं यहां पे लिखता हूं कि क्लिक टू डाउनलोड आर्टिकल, हमसे क्लियर हो गया। अब अगर आप इसको MS Word की फाइल या PDF फाइल देंगे ना, इस पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पे जो भी फोल्डर और फाइल आप देंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी बेटा, डाउनलोड हो जाएगी। चले एक फाइल या फोल्डर में यहां पे देख के देख लेता हूं, यहां पे आते हैं, मेरे पास अभी मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, यहां आ जाते हैं इसके ऊपर, और हमारा डेस्कटॉप पे है डेटा, तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, ऑडियो वीडियो के फोल्डर के अंदर मैं यहां पे कर देता हूं डॉक्स,
एक अलग से फोल्डर बना देता हूं डॉस के नाम से, उसके अंदर में हमारा डॉक्यूमेंट रख देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आके हमारे एंकर के अंदर क्या पास कर लूंगा कि डॉक्स के फोल्डर के अंदर जाओ, इसमें क्या पढ़िए, फाइल पढ़िए एमएस वर्ड की, जिसका नाम फॉर एग्जांपल अमजद आर्टिकल वर्जन 2.docs, राइट। अब अगर मैं किस पे क्लिक करता हूं, इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये वाली फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? सेव करते हैं इसको, चलाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब देखें ये सेम लाइन पे नजर आ रहा है, मैं चाहता हूं ये दूसरी लाइन पे नजर आए। तो हमने एक टेक पढ़ा था ब्रेक का, जिसकी बदौलत आप इसको न्यू लाइन पे भेज देंगे। सेव कर देते हैं, राइट। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपको एक चीज डाउनलोड होती मिलेगी। अभी वेब ब्राउजर्स की बाय डिफॉल्ट सपोर्ट होती है, कुछ वेब ब्राउजर्स सपोर्ट करती हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप यहां पे इसको चला रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहा है या कर भी रहा है, तो दूसरे पे भी एटलीस्ट ट्राई करके देख लिया करें। मैं एज को भी ऑन कर लेता हूं, तीन वेब ब्राउजर है मेरे पास, मैं तीनों पे इसको ट्राई करूंगा, सही है। और अभी ये जो चल रहा है लोकल होस्ट से चल रहा है, तो इसका भी मसला हो सकता है, लाइव सर्वर से चल रहा है नई चीज। तो अगर आप इसको बाय डिफॉल्ट जाके चलाते हैं तो तब आपको शायद ये फीचर मिले। चलें जी यहां आ जाते हैं, रिवील इन फाइल एक्सप्लोर, इसका नाम क्या था, एंकर। इसको मैं यहां से चलाने की कोशिश करता हूं क्रोम के अंदर भी, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूं, अच्छा जी ये देखिए डाउनलोड हो गया बेटा, ये चल रहा था फाइल लाइव सर्वर पे या लोकल होस्ट पे, समझे, कौन सा क्लियर है, ठीक है। और ये चल रहा है बाय डिफॉल्ट मैनुअल, समझो आप जो चलाएंगे ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और नीचे देखो फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर आप इस पे जाते हैं, यहां पे आके इसको पेस्ट करते हैं, ये कौन सा है हमारे पास, ओपेरा है ना, इस पे भी डाउनलोड करते हैं, तो क्या ये आर्टिकल डाउनलोड हो रहा है, देखिए डाउनलोड हो चुका, राइट। इसी तरह के जो आपके प्रोजेक्ट आएंगे ना बेटा, उसके अंदर ये आपकी फंक्शनलिटी होगी कि आपकी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स होती है, उनमें से होता है ना कुछ इंफॉर्मेशन, अगर आपको ज्यादा पढ़नी है किसी प्रोडक्ट के अबाउट, तो एक फाइल दी होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जैसे रीड मोर लिखा होता है, तो क्लिक करते हैं तो आपकी वो बाकी चीजें जो है वो डाउनलोड होके आप उसको जैसे चाहे पढ़ सकते। तो हमारे पास ये फंक्शनलिटी आपके प्रोजेक्ट के अंदर होगी, तो मैं इसलिए आपको ये अभी से बता रहा हूं ताकि आपको इन फ्यूचर आइडिया हो कि ये किस तरह से चीजें काम करेंगे। चले जी ये भी हो चुका, उसके बाद एंकर के बाद आपकी कुछ और चीजें हैं जिनको हम यहां पे प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अच्छा अब बेटा हमारे पास एंकर टेक को हमने कोशिश की है कि थोड़ा बहुत कवर कर लिया है, बट जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह कर सकते हैं। इवन आप अगर अभी देखें हमारे पास दो वेब पेजेस बने हुए, एक इंडेक्स है दूसरा anchor.html है। अगर आपको इंडेक्स के पेज पे भी जाना है तो इसको आप ट्राई कर लो, दूसरे वेब पेज जो आपके हैं इन पे ही मूव कर सकते हैं, क्योंकि कल को जो वेबसाइट बनाओगे तो उसके अंदर 15-50 वेब पेजेस होंगे ना, और उसी के अंदर नेविगेशन होती है ना, जो आपको W3 Schools की नजर आ रही है यहां पे, ये नेविगेशन शो हो रही है, ये सारे लिंक है, ये इसी एंकर से बने हुए हैं। आप जो क्लिक करके मूव कर रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, वो यही है एंकर की वजह से, और ये इसी वेबसाइट के वेब पेजेस है। तो कल को आप जो अपनी वेबसाइट बनाओगे उसमें आपके अपने वेब पेजेस होंगे, जैसे मैंने अभी एक एंकर बनाया दूसरा इंडेक्स बनाया ना, इसी तरह के आपके क्या होंगे, मल्टीपल वेब पेजेस होंगे जिनको आप आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं पेस्ट, और यहां पे आके एंकर हाइपर रेफरेंस, और मुझे कहां जाना है बेटा, index.html पे। अब मैं किस पे क्लिक करूं तो जाऊं, मैं लिखता हूं क्लिक हेयर, अगर आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कहां जा पाएंगे, index.html पे। सेव करते हैं इसको और यहां पे आके रिफ्रेश करते हैं जी, हमने वेब पेज यहां चलाया हुआ है, ये देखें क्लिक हेयर, मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगा कहां आ गया मैं, index.html
HTML को, कौन सा क्लियर है बेटा? एक वेब पेज से आप दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं। इवन यहां पे अगर आप टारगेट देते हैं नए टैब में ओपन करिए, तो टारगेट ब्लैंक, सेव करते हैं इसको। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और फिर से चलाऊंगा तो देखें अभी कौन सी टैब में खड़े हैं हम, एंकर डॉट एचटीएमएल की टैब में खड़े हैं ना। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो नई टैब में इसने क्या ऑन कर लिया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। कौन सा क्लियर हो गया बेटा? तो हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हैं एंकर के थ्रू, या किसी वेबसाइट पे, किसी वीडियो पे, ऑडियो पे, किसी फाइल पे, पीडीएफ पे, है ना। तो आपकी किसी भी तरह की चीज को ओपन करना हो या उस पे जाना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एंकर, हाइपर रेफरेंस। ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरह बेटा हमारे पास एक और टैग होता है जिसको हम मेजॉरिटी यूज कर रहे होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और आपकी ऑर्डर लिस्ट होती है, तो ओएल एंड यूएल डॉट एचटीएमएल। अच्छा बेटा, यहां पे HTML का बेसिक जो सिंटैक्स है वो दे देते हैं पहले, तो उसके बाद यहां पे आके हमने ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को पढ़ लेना है। तो ऑर्डर लिस्ट का मकसद क्या होता है, देखिए हमारे पास MS Word के अंदर आपने कुछ नंबरिंग की लिस्ट पढ़ी थी ना, जिसपे हम नंबरिंग देते थे। सपोज अगर मैं यहां पर आता हूं MS Word में, ऑन होने दें। अच्छा जी, मैं यहां पे लिख देता हूं कुछ डमी टेक्स्ट, अब इन नंबर ऑफ पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके हम यहां से क्या देते थे, नंबरिंग देते थे या डॉट्स भी देते थे, स्टेरिक वगैरह या इस तरह के हम सिंबल्स प्रोवाइड करते थे। हम यहां से अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस तरह से फॉर्मेट देते थे, इनको कहा जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या कहा जाता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहां पे ये जो नंबरिंग वगैरह आप देते हैं इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट। कौन सा क्लियर है बेटा? सही है। तो यही चीजें HTML के अंदर भी हैं, क्योंकि वहां पे भी तो आप इस तरह से चीजें दिखाते हो ना, एक मेन हेडिंग होती है फिर सब हेडिंग्स होती हैं, तो यहां पे भी बेटा ये चीजें पॉसिबल है। तो OL का मकसद क्या है, अनऑर्डर्ड, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। और हमारे पास एक दूसरी है जिसको कहा जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसी तरह हर लिस्ट के अंदर आइटम होते हैं, जैसे वहां पैराग्राफ या आपकी नंबर ऑफ लाइंस थी ना, यहां पे होते हैं लिस्ट आइटम। क्या होते हैं? इसी लिस्ट के जो आइटम होते हैं इनको एलआई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलआई। तो यहां पे आके आप जितने एलआई चाहते हैं वीएस कोड के अंदर एलआई लिख के स्टार लगाएंगे, और स्टार के बाद कितने एलआई चाहिए आपको, चार, तो आप चार लिखेंगे, एंटर करेंगे तो चार एलआई यहां पे बन जाएंगे। कौन से क्लियर हो गया बेटा? सही है। अब आप चाहते थे हर एलआई के अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट आ जाए तो वो भी आप दे सकते थे, तो मैं इसी के अंदर गेटर दे लगाता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं लोरेम, फिर मैं लिख देता हूं फोर। इसका मकसद क्या हुआ? हाँ, चार वर्ड डमी, चार वर्ड आ जाएंगे लोरेम इप्सम के, और हमारे पास किसके अंदर आएंगे, लिस्ट आइटम के अंदर। एंटर करते हैं, देखें आपको हर एलआई के अंदर चार चार या पांच पांच वर्ड आपको मिल जाएंगे। कौन से क्लियर हो गया? सेव करते हैं इसको, यहां आके रिफ्रेश करते हैं, और पहले तो इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि इसकी फाइल हमने अलग से बनाई है, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, चलाता हूं। यहां आते हैं, इसको ओपन इन डिफॉल्ट वेब ब्राउजर करते हैं बेटा। अब यहां पे देखेंगे कुछ लिस्ट शो हो रही है आपको, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर नंबरिंग आ चुकी है, सही है। लेकिन आप चाहते हैं अगर ये नंबरिंग इस तरह की नहीं चाहिए, तो आप इसका ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टाइप। कौन सा क्लियर हो गया कि आपको टाइप कौन सा चाहिए? देखें यहां पर कुछ टाइप शो हो रहे हैं कि आपको वन के हिसाब से ऑर्डर देना है या अल्फाबेटिक ऑर्डर देना है,
कैपिटल ए से तो वो भी दे सकते हैं, कैपिटल ए करेंगे सेव करेंगे तो यहां पे आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिलेंगे एबीसीडी अप टू जेड। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। इसी तरह अगर आप टाइप में जाके स्मॉल ए लिखते हैं तो स्मॉल ए के हिसाब से ऑर्डर मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, सही है। इसी तरह टाइप की वैल्यू अगर आप देते हो रोमन में तो आपको रोमन कैपिटल वाले मिलेंगे। श्योर है सबको? इसी तरह बेटा अगर आपको सिमॉल वाले रोमन चाहिए तो सिमॉल में आए दे दे तो आपको ये सिमॉल वाले रोमन भी प्रोवाइड कर देगा। यहां तक कौन सा क्लियर है बेटा? राइट। इसी तरह यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट, कहां से स्टार्ट करना चाहते हो, सही है? तो मैं अगर लिस्ट स्टार्ट करना चाहता हूं फॉर एग्जाम्पल 2 से, सेव करते हैं स्टार्ट करते हैं, तो ये देखें स्टार्ट फिर भी वहीं से ही हो रही है। ओके चलें जी एक मिनट सफर कर रहे हैं। तो बेटा आपको स्टार्ट में क्या वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको जो नॉर्मल हमारे नंबर है उनके अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी कि आपको सेकंड कैरेक्टर थर्ड कैरेक्टर से या तीसरी समले काउंटिंग से चीजें शुरू करनी है। तो अगर मैं स्टार्ट दे रहा हूं 3 तो यहां पर आगे रिफ्रेश करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 से काउंटिंग या आपकी नंबरिंग शुरू कर लेगी। देखें कर रहा है। इसी तरह अगर आप एबीसी देते हो कैपिटल या स्मॉल में तो आप क्या कर सकते हैं, टाइप भले एबीसी रहने दें और यहां पे स्टार्ट बता रहे हैं 3 तो इसका मकसद ये 3 से क्या कर लेगा या थर्ड कैरेक्टर से आपकी जो है वो ऑर्डर शुरू कर लेगा। सी से कह रहे हैं ना ऑर्डर, सही है बेटा। तो इस तरह से अपनी मर्जी की आप चीजें प्रोवाइड कर सकते हो इन योर ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा उसके बाद अगर आपको क्या करना है, अगर आपको यहां पे अनऑर्डर लिस्ट को यूज करना है तो यहां पे आप ब्रेक करें, सही है, और मैं यहां पे कर देता हूं कि ये जो है वो अनऑर्डर लिस्ट होगी जो अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले यूएल, यूएल के अंदर क्या चाहिए, लिस्ट आइटम कितने चाहिए, आप कहेंगे मुझे 4 चाहिए, और हर लिस्ट आइटम के अंदर कितने कैरेक्टर का आपको टेक्स्ट नजर आना चाहिए, लोरेम 3, यानी 3 कैरेक्टर या 3 वर्ड्स मुझे चाहिए, कैरेक्टर नहीं। तो आपको यहां पे देखें अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कितने कैरेक्टर मिल रहे हैं, और सॉरी वर्ड मिल रहे हैं, 3 वर्ड और हर आपके आइटम के अंदर शोर है, और लिस्ट आइटम हमने उसको कितने बोले थे 4, तो उसने 4 लिस्ट आइटम बनाया, हर लिस्ट आइटम के अंदर कितने वर्ड बना दिए 3। सेव करते हैं, यहां आते हैं रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये अब आपको अनऑर्डर लिस्ट इस तरह से शो हो। उसमें देखो टाइप सबसे पहले क्या है, डॉट, ये शो हो रही है ना आपकी, ये इसको सर्किल कहते हैं। अब यहां पे आके जैसे ऑर्डर लिस्ट का टाइप चेंज कर रहे थे, इसका भी टाइप चेंज कर सकते हैं, टाइप इज इक्वल टू, उसके बाद यहां पर क्या टाइप दे सकते हैं आप, अगर आप यहां पे आके इसको कह रहे हैं, अच्छा टाइप यहां पे शायद स्टाइल होगा, ये देखें स्टाइल नहीं टाइप ही होगा। अच्छा जी एक था सर्किल, सर्किल तो आ रहा है, एक स्क्वायर, सेव करते हैं रिफ्रेश करते हैं तो देखें चेंज हो रहा है, हिंटिंग नहीं आ रही उसकी जबकि ये चीजें हैं। कौन सा क्लियर, स्टाइल से फिर सी से सप्लाई होना शुरू हो जाएगी जो मैं नहीं चाहता, यहां पर कौन सा क्लियर है। अच्छा स्क्वायर के बाद एक चीज और भी है जिसको हम कहते हैं सर्किल, सेव करते हैं रिफ्रेश, तो देखें एक डॉट शो हो रहा होगा लेकिन अंदर से खाली है ना। कौन सा क्लियर है बेटा, राइट। तो इस तरह से भी आप टाइप दे सकते हैं। चले जी ये थे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। बेटा आपको एक चीज माइंड में रहे कि लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बन सकती है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बन सकती है, जैसे यहां पे ये आपकी ऑर्डर लिस्ट थी ना, आपको पहले ऑर्डर के बाद यहां पे पहले लिस्ट आइटम के बाद अगर आपको क्या बनानी है, कोई और लिस्ट बनानी है, अब वो ऑर्डर लिस्ट नहीं होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, अनऑर्डर लिस्ट, तो यहां पर आप फिर से एलआई के अंदर क्या दे सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट दे सकते हैं। तो एलआई के अंदर ही हूं मैं, इसका ये टेक्स्ट है अपना, है ना, सपोज इसको मैं कर देता हूं कि भाई ये जो है बायोलॉजी है, सही है। अब बायोलॉजी की ब्रांचेस होती हैं 3,
तो आप वो भी नंबरिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं वो डॉट्स में शो हो जाए। तो इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट ओपन करूंगा और इसके अंदर कितने एलाय चाहिए, तीन, और तीन एलाय स्टार लगा के एंटर करेंगे। अब मैं इसमें लिख देता हूं बॉटनी, फिर क्या है जूलॉजी, इसके बाद क्या है, जूलॉजी के बाद क्या है, बायोकेमिस्ट्री, अभी के लिए कुछ भी लिख देते हैं, किसको याद है ये चीजें। ओके, यहां देखें अब क्या हो रहा है, पहली आपकी जो ऑर्डर है वो कौन सी, अनऑर्डर सॉरी ऑर्डर लिस्ट है ना, उसी ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या बनी है, अनऑर्डर लिस्ट बनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, लेकिन आप चाहते थे कि इसके अंदर भी क्या चाहिए, ऑर्डर लिस्ट चाहिए, तो आप इस यूएल को हटा के क्या दे देंगे, ओएल दे देंगे, और यहां पे भी आके चेंज करके क्या दे देंगे, ओएल। तो अब ये नंबरिंग में शो होगा इस तरह से, कौन सा क्लियर है बेटा। तो जैसे वहां पे नहीं था एक, आप समझ ले हेडिंग की सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग की भी सब हेडिंग, तो यहां पे भी आप दे सकते, कौन सा क्लियर है बेटा, सही है। तो इस तरह से हम चीजों को प्रोवाइड कर सकते हैं। जाहिर है अभी वेबसाइट्स के ऊपर जाते तो कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज की फिर सब कैटेगरीज होती है, सब कैटेगरीज की अलग से क्या होती है, फिर से सब कैटेगरीज होती है ना। जैसे एक बुक है बायोलॉजी, फिर बुक बायोलॉजी के अंदर आपके अलग बुक होते हैं, है ना। तो इस तरह से वेबसाइट पे भी तो आप ऑर्डर दिखाते हो ना, इन फ्यूचर जब आप वेबसाइट बनाओगे तो डिजाइन में ये चीजें देनी पड़ेंगी, तो इस तरह से आपको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। चलें जी, ये आपके ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ये लंबा हो जाएगा फिर अपलोडिंग और इस तरह की चीजों में मसले आएंगे, तो कोशिश करते हैं फिर दूसरे जो लेक्चर है उसको कंटिन्यू करते हैं।